भाई केक कट गया ही। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ इटावा, अपने होम टाउन, अपनी मम्मी के पास। तो विजय मुझे कुछ दूरी तक छोड़ने जा रहे हैं और उसके बाद मुझे खुद से जाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं पहले ही बना चुकी थी और मैं एडिट अभी कर रही हूँ। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो उसकी वजह से काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैं मेरे पास ठीक से ब्लॉग बनाने का समय नहीं था और काफ़ी मुश्किल वक्त गुज़रा हमारा। घर पहुंचते टाइम मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जा रही थी तो मुझे खुशी थी कि मैं घर जा रही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ। लेकिन जब मैं रास्ते में थी तभी मुझे मम्मी ने खबर दी कि मेरी जो मौसी हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो बस तभी से जो भी हमारे दिन गुज़रे हमारे होम टाउन में टेंशन भरे ही गुज़रे थे और हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। और इसी बीच हम अपनी मौसी को देखने भी गए हॉस्पिटल में, और ये यशी है, भैया की बेटी, बहुत ही क्यूट है। बस बंद कर दो। और जैसे कि बोलते हैं ना, बार बार हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, बस वही करती रहती है सारे दिन हाथ धुलना। और ये हाथ धुल गए हैं, इनकी पर्सनल अच्छा, टॉवल है, उसी से ये अपने हाथ पोंछेंगी। आज के टाइम में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उनको भी पता है मुझे बार बार अपने हाथ धुलना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपनी पर्सनल टॉवल से ही हाथ पोंछना है। फ्रेंड्स, जब हम अपने मौसी को देख करके गए थे तो उसके नेक्स्ट डे ही जाते ही हमको खबर मिली कि हमारी मौसी जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और ये बहुत ही दुख भरा पल था हमारे लिए। फ्रेंड्स, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये वो इंसान बहुत बेहतर समझ सकता है जिसने कभी अपना कोई ख़ास खोया हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जो मम्मी ने मौसी जी के साथ में शूट किया था, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ इसमें। कई दिनों तक तो हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आप हमारे बीच नहीं रही हो। ऐसा लग रहा था कि आप हमारे बीच हो, आप हमें छोड़कर नहीं गए हो। और सच ये भी है कि आप हमेशा हमारी यादों में, हमेशा हमारे दिल में रहोगे। अब कोई वो चीज़ नहीं हो जिसे हम लोग भूल जाएंगे, आप हमेशा हमेशा याद आओगे। आपके जाने से आपके कई परिवार बिखर गए हैं जिनकी आप ताकत थे, वो सब आपको बहुत याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। आप हमेशा हम सब के दिल में रहोगे, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, सब आपको बहुत मिस करते हैं। क्या कहूँ, सब नहीं है मेरे पास, बस आप हमेशा याद आओगे। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं वापस आ गई, मम्मी कानपुर ही रुकी क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। और उसी बीच हमारे नाना जी को भी खांसी हो रही थी, नानी को भी दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा हम उनका जांच करा देते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो वो हमने जांच कराई और इसी के साथ हमने सोचा दोनों लोग बुज़ुर्ग हैं, एज है, तो हमने सोचा उनके एक्स्ट्रा भी करा देते हैं, चेस्ट का, लंग्स का बेस्ट रहेगा। और हमने उनके एक्सरे करवाए और भगवान की दया से उनके एक्सरे नॉर्मल थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद हम नाना नानी दोनों लोगों को गाँव छोड़ने गए और नानी हमारी खाना नहीं खा रही थी, खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, तो वही मैं खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मेरे हाथ से खा लें, क्योंकि मुझे प्यार करती हैं काफ़ी, नाना नानी दोनों ही प्यार करते हैं, उन्होंने ही मुझे बचपन में पाला था, तो मेरे पेरेंट्स हैं एक तरीके से, तो मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। थोड़े से ही रोटी खाने के बाद माँ मना कर रही है, नहीं खाना है मुझे, लेकिन मैं जिद कर रही हूँ खिलाने की। लेकिन जब मैंने दूसरी मेडिसिन दिलवाई तो उनको आराम हुआ और उनको भूख लगने
शुरू हुई, वरना वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे थे। फ्रेंड्स, नानी की कंडीशन ऐसी थी कि हम उनको मौसी के बारे में नहीं बता पा रहे थे कि मौसी नहीं रही हैं अब हमारे बीच में, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि वो खाना नहीं खा रही हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और थोड़ा सा अजीब सी हो गई हैं, कभी कभी बोलती नहीं है, शांत हो जाती हैं बिल्कुल। तो डर लग रहा था कि पता नहीं बताएंगे तो क्या हो जाए, तो उस डर से हम कुछ बताना नहीं चाह रहे थे उन्हें। हम नहीं खाएंगे, तुम खाओगे तो खाएंगे, हम नहीं खाते। तो तुम्हें पेट में पीर होती है तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, पेट में पीर होती तो आज ही पेट में रही खान लगी, आले ही खान लगी। अच्छा, पेट में पीर हो रही, इंजेक्शन पेट में पीर हो रही है। लेकिन फिर हम लोगों ने हिम्मत करके उनको बताया और समझाया, उनको हिम्मत दी। किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा घर के बाहर निकल के आई, जहाँ पर भैंस वगैरह बंधती हैं, वहाँ पर माई ने, हमारी मामी ने कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं, मिर्च है, बैंगन है और टमाटर वगैरह, और गाय है, इसका मम्मी दूध निकालने के लिए आई हैं अभी, तो मैं उनके साथ चली आई थी। नाना नानी के साथ एक दो दिन रुकने के बाद मैं वापस इटावा आ गई, क्योंकि मुझे वापस कासगंज भी आना था। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो मेरा सफ़र था वो अच्छा नहीं गया। फ्रेंड्स, इसी के साथ कहना चाहूँगी, इस महामारी में अपनी सेफ्टी रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, जितना हो सके उतना प्रिकॉशन रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलिए। और ये कच्चे आम हैं और ये तो बहुत ही बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये ढेर सारे आम लगे हुए हैं इसमें, तो यहाँ से मैंने कुछ आम उठा लिए हैं। और ये इटावा आने के बाद मैंने मठे के आलू बनाए हैं। भाई आया था तो उसने डिमांड की कि मुझे मठे के आलू खाने हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इटावा मैनपुरी साइड में मठे के आलू की जो डिश है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।